भाजपा नेता जीतू सेन ने किसान नेता ब्रजकिशोर पटेरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सेन ने कहा, पटेरिया ने आदिवासियों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और उस पर वेयर हाउस मकान बनाने के साथ धंधा शुरू कर दिया है, जिसमें उनका सहयोग शहर के बड़े बीजेपी नेता कर रहे हैं। भाजपा नेता जीतू सेन ने किसान नेता ब्रजकिशोर पटेरिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पटेरिया ने आदिवासियों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर उन पर वेयर हाउस और मकान बना लिए हैं। इसमें उनका सहयोग शहर के चर्चित भाजपा नेता करते आ रहे हैं। आदिवासियों के अधिकार और जमीन को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक कई बार कह चुके हैं कि आदिवासियों की जमीन के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन पिछले 5 वर्षों में टीकमगढ़ शहर से लगे हुए ग्रामीण अंचलों में आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ जमीन दबंगों के साथ सत्ताधारी नेताओं की मिलीभगत से हथिया ली गई। आदिवासी अपनी जमीनों के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। सेन ने कहा, राजस्व विभाग और न्यायालय से कल्ला आदिवासी के पक्ष में फैसला हुआ है, इसके बावजूद पटेरिया आदिवासियों को डराने में लगे हुए हैं। आपने किस मामले को लेकर पटेरिया द्वारा जमीन पर कब्जा किए जा रहे हैं उस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई और जबकि उनके द्वारा अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, जबकि वो स्वयं ही इन सब चीजों में लिप्त थे, जिसमें इनका खुद का मकान, खुद का ग्रेडर प्लांट आदिवासी की भूमि पर है। यह कल्ला आदिवासी की भी जमीन रखना चाहता है, जबकि वो पिछले 20-22 वर्षों से विभिन्न न्यायालयों से न्याय पा चुका है। अब इनका न्यायालय पर कोई भरोसा नहीं रहा, अब जे दबंगियाई से वो जमीन की हत्या करना चाहता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।